मैं खालिद खान सैफवन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश कमेटी गठित करते हुए उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद पर सुनील चित्तौड़ जी को नियुक्त किया है। वहीं जिला बिजनौर के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक व राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य मोहम्मद गाजी को प्रदेश महासचिव के पद पर नियुक्त किया है, जिसकी खबर मिलते ही मोहम्मद गाजी के आवास पर लोगों का तांता लग गया और उनको हर जगह से शुभकामनाएं मिलनी शुरू हो गई। इस मौके पर मोहम्मद गाजी साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह आश्वासन दिया कि वह इस पद पर नियुक्त होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे और पार्टी को एक अलग ही ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर भी निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। यह सरकार नहीं गरीब की सुन रही है, ना किसान की सुन रही है। किसान पिछले 3 महीने से आंदोलित है, लेकिन सरकार इस काले कानून को वापस नहीं ले रही है और किसान 3 महीने से ऐसे ही ठंड की शुरुआत से गर्मी की शुरुआत तक सड़कों पर बैठा है। मोहम्मद गाजी साहब को आज शुरुआत है उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव से कि वो भी अपनी बात कर रहे हैं मोहम्मद गाजी साहब। हमारे साथियों, जैसे कि आप सब लोगों के सामने भाई का आदेश हुआ है, माननीय अध्यक्ष जी आदरणीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं प्रदेश के, उन्होंने दूसरी पार्टियों पूरे प्रदेश चलाने का काम किया है। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़े मुझे काफ़ी लंबे समय से, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है मैं भाई को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो जिम्मेदारी भाई ने दी है उसके लिए हम पूरे तन मन धन से मेहनत कर इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और सभी साथियों को साथ लेकर के हमारी कोशिश होगी कि कोई हमारा भाई उनसे नाराज ना हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और जो भी भाई का टाइम समय समय पर जो दिशा निर्देश आएगा उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और पार्टी के प्रति दिन रात पूरी मेहनत लगन से हम लोग कोशिश करेंगे कि 2022 में आजाद समाज पार्टी की सरकार बने। इसके लिए हम पूरी कोशिश, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ कोई कसर बाकी नहीं छोड़ आप सब लोगों का।